आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइनिक सस्पेंशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको लाइनिक सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, जैसे इसके बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हो, उसके यूजेस के बारे में जानना चाहते हो कि इसको किस बीमारी में और किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, या बच्चों में ऐसी कौन सी बीमारी या कौन सी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में इस दवा को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, या फिर इसका डोज क्या होता है, इसको लेने से बच्चों में क्या कोई साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, लाइनेक्स सस्पेंशन जो कि वायलेस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है, इसकी MRP 82 रुपये है और यह 60 ml की पैकिंग में आती है। इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं। अगर इसके कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें लिंकोमाइसिन 125 mg पर 5 ml डाला जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक दवा मानी जाती है, जो कि तमाम तरीके की बैक्टीरिया से फाइट करती है और तमाम तरीके की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है बॉडी में, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ में ली जाती है। दोस्तों, बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जिन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है इस सिरप का, इस सस्पेंशन का, मौसम बदलने के वजह से, या कह सकते हैं हम बरसात के दिनों में अक्सर जब बरसात लगता है, या जैसे हमारे एरिया में जब कभी बाढ़ की शिकायत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में बाढ़ की वजह से, गंदगी की वजह से जो दूषित पानी आता है बाहर से, उसकी वजह से बच्चों में स्किन प्रॉब्लम देखी जाती है। स्किन में इचिंग होना, स्किन में जो है दाने निकल आना, स्किन पे फफोले पड़ जाना, बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं। उनके पूरे बॉडी में दाने निकल आते हैं, अदरेड़ी टाइप का दाना निकल आता है। तो ऐसे केसेस में लाइनेक्स सस्पेंशन बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और भी बहुत सारे केसेस में इसका प्रयोग लिया जाता है, जैसे अगर किसी बच्चे के स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी बच्चे को अगर जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या अगर किसी बच्चे को बहुत बड़ा फोड़ा फुंसी निकल आया है, उसको सुखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी बच्चे को अगर लंग्स इन्फेक्शन हो गया, फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में भी लाइनेक्स सस्पेंशन बहुत ही अच्छा काम करता है। बच्चों में पोस्ट ऑपरेटिव के केसेस में इसका प्रयोग लिया जाता है, यानी कि अगर किसी बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, तो उस ऑपरेशन को सुखाने के लिए, ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग लिया जाता है। बच्चों में अक्सर उनके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, उनका टॉन्सिल बढ़ाता है, या मुंह में अगर बहुत अधिक छाला निकल आया है और कोई भी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं कर रही है, तो और भी दवाओं के साथ में इस दवा का प्रयोग डॉक्टर कराते हैं, जिससे कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, अगर इसके डोज की बात करेंगे तो 2 साल से अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml दे सकते हैं, अगर 5 साल के ऊपर का जो बच्चा है उसको 10 ml दे सकते हैं, या फिर जो 6 महीने से 2 साल के बीच में उसको 2 से 2.5 ml दे सकते हैं। जैसे इसकी एज होती है, जैसे इसकी वेट होती है, कंडीशन होती है, उस हिसाब से इसका डोज डॉक्टर बताते हैं। दोस्तों, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो इसको लेने से स्टमक अपसेट हो जाता है बच्चों का, या डायरिया लग सकती है कभी कभार, या एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नाजिया, वोमिटिंग, इसी तरह के कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।